क्या प्रधानमंत्री मोदी से बदला लेने में आत्मघाती बन गए हैं उद्धव ठाकरे? क्या मोदी सरकार को नीचा दिखाने के लिए उद्धव ने महाराष्ट्र की जनता को दांव पर लगा दिया है? क्या उद्धव ठाकरे पूरे देश को कोरोना महामारी में धकेलने की साजिश रच रहे हैं? जी हाँ, मंगलवार को जिस प्रकार मुंबई के बांद्रा स्टेशन के बाहर हजारों लोगों का हुजूम उमड़ा, उससे ये सवाल उठना लाजमी है। अगर जो बोल दे रहे अल्लाह की तरफ से नहीं, वो ईमान वाला नहीं है। जिस प्रकार लॉकडाउन को तोड़कर हजारों लोग मुंबई की जमा मस्जिद के बाहर एकत्र हुए, उससे ये सवाल तो उठते ही है। आज महाराष्ट्र पूरे देश में एक ऐसा राज्य बन गया है जहाँ कोरोना के सबसे अधिक पॉजिटिव मामले हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनकी आघाड़ी सरकार महामारी रोकने के दावे कर रही है, लेकिन वो दावे खोखले साबित हो रहे हैं। इससे लगता है कि कहीं ये सरकार वास्तव में कोरोना को रोकना भी चाहती है या सिर्फ रोकने का नाटक कर रही है। क्योंकि 6 अप्रैल को उद्धव ठाकरे ने ट्वीट किया कि राज्य में प्रवासी मजदूरों के लिए 4,653 रिलीफ कैंप बनाए गए हैं। वहीं 13 अप्रैल को ट्वीट किया गया जिसमें रिलीफ कैंप की संख्या 4,573 बताई गई, यानी 80 कैंप हफ्ते भर के भीतर हटा दिए गए। सवाल ये उठता है कि शिविरों को कम करके क्या प्रवासी मजदूरों की परेशानी नहीं बढ़ाई गई? एक और सवाल है, जब उद्धव ठाकरे पहले ही 10 अप्रैल को राज्य में लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ाने का ऐलान कर चुके हैं, तो फिर अचानक 5 दिन बाद बांद्रा में हजारों लोगों की भीड़ क्यों जमा हो गई? क्या प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बाद मजदूरों को जानबूझकर भड़काकर वहां लाया गया था? अगर ये लोग वास्तव में प्रवासी मजदूर थे और अपने घर जाना चाहते थे, तो फिर इनके पास सामान क्यों नहीं था? ये खाली हाथ क्यों थे? इस हंगामे के बाद ही कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे 24 घंटे ट्रेनें चलाकर प्रवासी मजदूरों को वापस भेजने की मांग क्यों करने लगे, जबकि उन्हें अच्छी तरह पता है कि दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूरों को फिलहाल अपने यहाँ नहीं आने दे रहे हैं। बांद्रा ईस्ट के कांग्रेस विधायक जीशान सिद्दीकी का कहना है कि मजदूरों के हित का दावा करने वाले उद्धव ठाकरे उन्हें खाना तक नहीं खिला रहे हैं। यानी बांद्रा में भीड़ एक साजिश के तहत बुलाई गई थी और ये साबित करने की कोशिश की गई कि प्रवासी मजदूर प्रधानमंत्री मोदी के लॉकडाउन बढ़ाने से नाराज हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अनुभवहीन उद्धव सरकार इस बिगट परिस्थिति में महाराष्ट्र के लोगों का ख्याल रख पाने में अक्षम साबित हो रही है।